हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। और क्या मैं विजिबल हूं, मतलब सही दिख रहा हूं? सब बढ़िया, ठीक आ रहा है? और प्लीज ये मैसेज में जो रिप्लाई करोगे, एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए, मतलब शुरुआत, मतलब आज की क्लास के लिए प्लीज़ जो भी मैसेज करना हो, जवाब देना हो, वो टेलीग्राम चैनल पे देना। सो टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ मुझे कंफर्म करो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ एवरीवन, यस एवरीवन, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? और क्या वो आवाज क्लियर है सबको? मैं विजिबल भी हूं ना, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बट मेरे को, क्योंकि मुझे लगा, ओके चलो, आज की क्लास के लिए हम लोगों को ये वाली क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग में प्रॉब्लम हो गया, मैं क्लास बता नहीं पाया आप लोगों को, लिंक बना नहीं पाया पहले। बट आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, विच इज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोसीजर्स। ठीक है बच्चों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोसीजर्स। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो, तो हम लोग आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स करने जा रहे हैं बच्चों। और अभी तक हम लोगों ने बात करी है थोड़ी सी टेक्निकल, यानी वैल्यूएशन से रिलेटेड, और हम लोगों ने बात करी कि ड्यूटी को कैसे कैलकुलेट करना है, हम लोगों ने वैल्यूएशन कैसे, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके ऊपर ड्यूटी कैसे निकालनी है, ये सब चीज़ें समझी हैं। अब हमें समझना है कि अगर गुड्स इम्पोर्ट होते हैं, तो उसके प्रोसीजर्स क्या फॉलो करते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो इम्पोर्ट प्रोसीजर्स पे बात करेंगे हम लोग अब। सो राइट डाउन एवरीवन, इंपोर्ट प्रोसीजर्स, सब लोग हेडिंग डालेंगे इंपोर्ट प्रोसीजर्स। इंपोर्ट प्रोसीजर्स में बच्चों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मेरे गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो सबसे पहले क्या काम करना होता है। ये देखो, यार देखो क्या हुआ कि मैं गुड्स को इंपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये है मेरा इंडिया, ठीक है, इंडिया का साउथ पार्ट, ओके, और यहां पे गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स शिप के थ्रू धीरे धीरे करके इंडिया के नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। और मान लेते हैं ये वो पोर्ट है, इस पोर्ट का नाम बोल देते हैं चेन्नई, चेन्नई पोर्ट है। इस चेन्नई पोर्ट पे मेरे गुड्स क्या होने हैं बच्चों, डिलीवर होने, ठीक है। और मान लेते हैं कि गुड्स की जो डिलीवरी होनी है, गुड्स को ये इंपोर्ट किया जा रहा है यूएसए से। कहां से आ रहे हैं गुड्स? यूएसए से आ रहे हैं। सो अगर कोई गुड्स की डिलीवरी इस तरीके से हो रही है कि गुड्स एक दूसरे देश से इंडिया में आ रहे हैं, इंपोर्ट हो रहे हैं, तो उसके प्रोसीजर्स क्या फॉलो करने होंगे, हमें ये चीज का ध्यान रखना होगा। अब एवरीवन, बच्चों एक बात बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक सबमिट करना चाहिए इंपोर्ट मैनिफेस्ट अराइवल होने से पहले। यानी गुड्स अभी एंटर नहीं किए दोस्तों, अभी गुड्स एंट्री नहीं हुई है, अराइवल अभी, मतलब हम लोग ना एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, ठीक है, इंडिया में आ रहे हैं, आने के पहले पहले आपको एक अराइवल रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, ठीक है, और अराइवल रिपोर्ट से पहले आपको एक इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करना होगा। सो राइट डाउन, सबसे पहला स्टेप नंबर वन, सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल। सबसे पहले काम क्या करना है इंपोर्ट के प्रोसीजर्स में, सबमिट
इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल, जी हां, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करना होगा। नाउ ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट है क्या चीज? इंपोर्ट मैनिफेस्ट एक इंपोर्ट का रिपोर्ट है, ये इंपोर्ट की रिपोर्ट है, इंपोर्ट रिपोर्ट है। ये ना इंपोर्ट की डिटेल्स देता है आपको कि कौन कौन से गुड्स इंपोर्ट किए हैं आपने, ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं गुड्स, प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्या था, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लीज़ जो भी रिप्लाई करना होगा आज की क्लास के लिए टेलीग्राम पे करना, ठीक है। इंपोर्ट रिपोर्ट, अगर हमें डिटेल्स मिलती हैं, आज मुझे को ये पता चलता है कि मैं कौन से गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये मुझे इस इंपोर्ट रिपोर्ट से पता चलता है। बच्चों ये इंपोर्ट रिपोर्ट देना किसका काम है, कौन करता है, ये इंपोर्ट रिपोर्ट देता कौन है, ठीक है। तो यहां देखते हैं, इंपोर्ट रिपोर्ट देने का काम पर्सन इन चार्ज का होता है। किसका काम होता है बच्चों? पर्सन इन चार्ज। पर्सन इन चार्ज सबमिट करता है कस्टम डिपार्टमेंट को। किसको सबमिट करता है? कस्टम डिपार्टमेंट को। सो पर्सन इन चार्ज सबमिट करता है इंपोर्ट की रिपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट को कि मैं आ रहा हूं गुड्स को लेकर और ये वो गुड्स हैं, ये उनकी वैल्यू है, ये उनके ऊपर अभी तक मैंने इतने चार्जेस पे किए, ये फ्रेट है, ये इंश्योरेंस है, ये सारे खर्चे वो उसके अंदर डेल दिए जाते हैं। पर्सन इन चार्ज, बच्चों मैंने पिछली क्लास में शायद आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, पर्सन इन चार्ज क्या होता है भाई। अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं पर्सन इन चार्ज में वेसल में, तो वेसल में कौन होता है? कैप्टन ऑफ द शिप। कौन होता है? कैप्टन ऑफ द शिप, है ना। और अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट की, अगर मैं बात करूं एयरक्राफ्ट की, तो या तो पायलट होता है या कमांडर होता है। कौन होता है? या तो पायलट होता है या कमांडर होता है, हाँ या ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं बाय लैंड, यानी बाय अगर ट्रक होता तो, ठीक है, बाय ट्रक होता तो ऐसे केस में गुड्स को डिलीवर किया जाता है अगर ट्रक से, बाय लैंड से, तो ऐसे केस में कौन होता है? जनरली ड्राइवर होता है, जनरली ड्राइवर होता है, या फिर कोई और ऑथराइज पर्सन, अदर ऑथराइज्ड पर्सन, हाँ या ना दोस्तों, हाँ या ना दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। सो ये जो पर्सन इन चार्ज है, दे आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ये लोग ना कस्टम डिपार्टमेंट को अराइवल से पहले गवर्नमेंट को रिपोर्ट दे देंगे कि हम लोग आ रहे हैं। जनरली बाय लैंड, बाय लैंड वर्ड यूज किया जाता है इंपोर्ट रिपोर्ट, और अगर मैं बाय वेसल या फिर बाय एयर अगर इंपोर्ट हो रही है, बाय वेसल या बाय एयर, तो ऐसे केस में हम उसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट मैनिफेस्ट। क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं एवरीवन? सो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूएसए से जब ये शिप आ रहा है तो यहां पे जो अंदर बंदा बैठा हुआ है ना, ये जो अंदर बैठा बंदा, ये कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द शिप, इसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये गुड्स को अभी चेन्नई पोर्ट में उतारने से पहले पहले, इनफैक्ट अभी तक टेरिटोरियल वाटर्स में भी आने से पहले पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दे, उसको बोलते हैं इंपोर्ट मैनिफेस्ट। क्या बोलते हैं? इंपोर्ट मैनिफेस्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कौन देता है समझ में आता है बेटा? ये बात नोट करते जाओ प्लीज एवरीवन, कौन देता है और किसको दिया जाता है? कस्टम डिपार्टमेंट को दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं अगला स्टेप क्या होगा। सो राइट डाउन स्टेप नंबर टू, अराइवल इन ITW। ITW क्या है बेटा? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। बच्चों टेरिटोरियल वाटर वही 12 नॉटिकल माइल, कुछ याद आया? 12 नॉटिकल माइल भाई, इंडिया के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी है ये 12 नॉटिकल माइल। ये 12 नॉटिकल माइल जो भी एरिया है, इतने एरिया बेटा, अगर किसी का कुछ छूट रहा हो लिखना तो प्लीज W मैसेज डाल देना, W, मैं वेट कर लूंगा। ओके, अराइवल इन टेरिटोरियल वाटर्स। बच्चों जैसे ही आप टेरिटोरियल वाटर में आ जाते हो, जैसे ही आप टेरिटोरियल वाटर में आ जाते हो, ये देखो जी, मान लेते हैं आपके टेरिटोरियल वाटर स्टार्ट हो रहे हैं यहां से, ये है ITW एरिया, ये है ITW, और जब जैसे ही इसको एंटर कर जाओगे तो आपको एक अराइवल रिपोर्ट देनी होगी। पता है क्यों? क्योंकि भाई कस्टम डिपार्टमेंट को बताओगे
अराइवल रिपोर्ट इसलिए देना चाहते हो ताकि वो लोग आपके लिए जगह बना के रखें, भैया कहाँ पे आप लैंड करोगे, ऐसे थोड़ी ना आप सीधा अंदर चल भाई जगह नहीं मिलेगी शिप के पीछे शिप मार दें कोई बात नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आपको बताना होगा गवर्नमेंट को टाइम से पहले पहले अराइवल इन टेरिटोरियल वाटर्स, सबमिट द अराइवल रिपोर्ट, सबमिट द अराइवल रिपोर्ट। कौन देगा ये अराइवल रिपोर्ट, कौन देगा ये अराइवल रिपोर्ट बेटा? ये अराइवल रिपोर्ट का देने का काम किसका होगा? ये अराइवल रिपोर्ट देगा पर्सन इन चार्ज, अगेन पर्सन इन चार्ज किसको देगा? पर्सन इन चार्ज अराइवल रिपोर्ट देगा कस्टम डिपार्टमेंट को, कस्टम डिपार्टमेंट को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो पर्सन इन चार्ज अराइवल रिपोर्ट देगा कस्टम डिपार्टमेंट को कि मैं टेरिटोरियल वाटर्स में एंटर कर चुका हूं, आपके देश पहुंच चुका हूं और मेरा स्वागत किया जाए। अरे स्वागत करने का मतलब आपके लिए जगह थोड़ी सी स्पेस बचाई जाए ताकि मैं अपने गुड्स को भी वहां पे डिलीवर कर सकूं और मेरे पास लैंडिंग स्पेस हो कि मैं वहां पे पोजीशन पे लेके आ सकूं शिप को। हाँ या ना? सो अराइवल इन टेरिटोरियल वाटर, सबमिट द अराइवल रिपोर्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? अच्छा, इसके बाद अगला स्टेप क्या है? अराइवल रिपोर्ट तो हो गया, स्टेप नंबर 3 है बर्थिंग एंड अनलोडिंग। क्या नाम है? बर्थिंग एंड अनलोडिंग। तो बेटे सबसे पहले आपने ये काम कर दिया ना, स्टेप 3 में आपको क्या मिलेगी? बर्थिंग मिलेगी। बर्थिंग मतलब अरे भाई लैंड करने की जगह, लैंड करने की जगह को क्या बोलेंगे? बर्थिंग, है ना? बर्थिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स। बच्चों बर्थिंग होगी तभी तो अनलोडिंग होगी, बोलो हाँ या ना? सो पहले बर्थिंग होगी और फिर गुड्स की क्या करेंगे? अनलोडिंग। सो पहले बर्थिंग की जाए, बर्थिंग अलाउ किया जाए कि कहां पे आपको वो लैंड करना है शिप को, और फिर उसकी उसकी क्या होगी? अनलोडिंग। स्टेप नंबर 4, गुड्स को अनलोड कर दिया बेटा आपने, गुड्स को अनलोड कर दिया। सो मान लेते हैं ये आपका शिप खड़ा है, ये आपका शिप खड़ा है और आपने गुड्स को क्या कर दिया है? अनलोड कर दिए। गुड्स ये पड़े लैंड पे, ऐसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं डब्बे 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 डब्बे, ये गुड्स आपके गुड्स हैं। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे पोर्ट अथॉरिटीज को। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे पोर्ट अथॉरिटीज को? कि भाई हमने आपको गुड्स दे दिए, अब आप पोर्ट अथॉरिटीज को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो कि आप जब तक ये नहीं देखते हो कि कौन वो बंदा है, मालिक कहाँ है इस गुड्स का, जब तक उसको नहीं ढूंढ लेते हो तब तक आप किसी एक ऐसे पर्सन को जिम्मेदारी देना चाहते हो, वो होते हैं पोर्ट अथॉरिटीज जो पोर्ट में ही बैठते हैं। सो क्या लिखेंगे? डिलीवरी ऑफ गुड्स टू पोर्ट अथॉरिटीज, डिलीवरी ऑफ गुड्स टू पोर्ट अथॉरिटीज। तो आप गुड्स की डिलीवरी कर देते हो, पोर्ट अथॉरिटीज तक पहुंचा देते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पोर्ट अथॉरिटीज को बोल देते हो देख लो भाई ये गुड्स पड़े हुए हैं, मैं अभी मालिक को ढूंढता हूं, तब तक आप मेरे गुड्स का ध्यान रखो, ठीक है? पोर्ट अथॉरिटीज यहां पे खड़े हुए हैं, ये रे पोर्ट अथॉरिटी वाले ऑफिसर, ठीक है? ये 2-3 ऑफिसर खड़े हुए हैं यहां पे। हाँ जी भाई साहब देख लेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, देखना ही तो है, ठीक है? सबको देखा है, आपको भी देख लेंगे, ठीक है? तब ये चला गया, ये बंदा है पर्सन इन चार्ज। ये कौन है? पर्सन इन चार्ज। ये बंदा कहां चला गया? कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ। यहां पे डिपार्टमेंट है और यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं जो वेट कर रहे हैं कि ये गुड्स किसके हैं, यानी ये पहले जाएगा ओनर की तरफ कि कहां है वो ओनर जिसके लिए मैं गुड्स लेके आया हूं, क्योंकि उससे ऑब्टेन करना होगा बिल ऑफ लेडिंग। क्या ऑब्टेन करना होगा? बिल ऑफ लेडिंग। बेटा ऑब्टेन बिल ऑफ लेडिंग, ऑब्टेन बिल ऑफ लेडिंग, ऑब्टेन बिल ऑफ लेडिंग। सो अगला स्टेप हमारा क्या होगा? बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करना एंड इशू अ डिलीवरी ऑर्डर, एंड इशू डिलीवरी ऑर्डर। भाई सही बात है ना? सही तो बात है। बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है कि ये बिल ऑफ लेडिंग का मतलब होता है ये एक ना ओनरशिप डॉक्यूमेंट है। क्या है ये? एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट है। ये इस बात का सबूत है कि जो ये बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा वो ही इन गुड्स का मालिक है। जो ये गुड्स का ये जो भी ये बिल ऑफ लेडिंग दिखाएगा ना वो ही इन गुड्स का मालिक है, अदरवाइज आप गुड्स के मालिक नहीं हो। सो आप अगर मालिक हो तो ये सबूत हमें बिल ऑफ लेडिंग से मिलेगा। तो वहां पर तो बहुत सारे लोग खड़े होंगे, तो सब कहेंगे ये मेरे गुड्स है, मेरे गुड्स है, मेरे गुड्स है, हम किसी को भी दे देंगे क्या? नहीं,
हम लोग उसी को देंगे जिसके हाथ में होगा बिल ऑफ लेडिंग, और बिल ऑफ लेडिंग पे सिग्नेचर पता है किसके होते हैं, वो एक्सपोर्टर के, जहां से गुड्स एक्सपोर्ट हुए हैं। तो इसलिए बिल ऑफ लेडिंग पे ही हमें विश्वास होता है। सो ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है, और ये बिल ऑफ लेडिंग कौन किसको देता है, बिल ऑफ लेडिंग कौन किसको देता है, एक्चुअल में ये देता है इंपोर्टर। इंपोर्टर सबमिट करता है बिल ऑफ लेडिंग, किसको सबमिट करता है, पर्सन इन चार्ज को, किसको देता है ये, पर्सन इन चार्ज को। और बदले में पर्सन इन चार्ज क्या करता है, उसको गुड्स थमा देता है कि लो जी आपको ये डिलीवरी ऑर्डर, आप इस पे साइन कर दो कि मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, मेरी कहानी खत्म। भाई समझ में आ रही है बात, इज दैट क्लियर एवरीवन? बेटा कोई आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा कह रहा है, सपना कह रही है, कोई आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, एनी प्रॉब्लम एवरीवन? आवाज की क्लैरिटी नहीं आ रही क्या, जल्दी प्लीज रिप्लाई करो। चलो पता नहीं क्या, फिर मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि क्या रीजन है। अच्छा इधर ध्यान देते हैं, तो बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करो एंड इश्यू अ डिलीवरी ऑर्डर। इंपोर्टर सबमिट करता है पर्सन इन चार्ज को ओनरशिप डॉक्यूमेंट, यानी ये बिल ऑफ लेडिंग, और ये बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करने के बाद आप डिलीवरी ऑर्डर इशू कर देते हो और फिर से डिलीवरी पे साइन करवा लेते हो कि मैंने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? स्टेप नंबर सिक्स, स्टेप नंबर सिक्स क्या लगता है, स्टेप नंबर सिक्स क्या होगा, स्टेप नंबर सिक्स क्या होगा? सबमिट बिल ऑफ एंट्री टू द कस्टम डिपार्टमेंट। नाउ एवरीवन, आपको कस्टम डिपार्टमेंट को क्या देना होगा, बिल ऑफ एंट्री। कौन देगा भाई कस्टम डिपार्टमेंट को बिल ऑफ एंट्री? इंपोर्टर देगा। भाई देखो ऐसा है, अब पर्सन इन चार्ज ने इसको डिलीवरी ऑर्डर दे दिया है और गुड्स ये इंपोर्टर को थमा दिए हैं, अब इंपोर्टर क्या करेगा, गुड्स को लेकर चल पड़ेगा, हाँ कि नहीं? बट ऐसे कैसे लेके जाएगा, अब इंपोर्टर को चाहिए क्लियरेंस। क्या चाहिए इंपोर्टर को? क्लियरेंस। या तो वो वेयर हाउस लेके जाएगा या फिर वो होम कंजम्पशन। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? देखो दो ऑप्शन होते हैं, इंपोर्टर से गुड्स इंपोर्ट होने के बाद अब आगे या तो आप गुड्स वेयर हाउस में ले जाओगे या फिर आप गुड्स को कहां ले जाओगे, होम कंजम्पशन के लिए। होम कंजम्पशन मतलब ड्यूटी दी और चले गए, ठीक है, गुड्स की ड्यूटी दी और चले गए। वेयर हाउस का मतलब क्या है, कि अगर आप गुड्स को वेयर हाउस में सबमिट कर देते हो टेम्परेरी बेसिस पर, क्योंकि आपके पास ड्यूटी नहीं है, आपके पास ड्यूटी नहीं है, टेम्परेरीली आप वो पैसा जमा करवा देते हो वेयर हाउस में। क्या मेरी बात समझ में आती है एवरीवन? नाउ स्टेप नंबर फाइव खत्म होने के बाद स्टेप नंबर सिक्स में अब आप गुड्स को लेके जाना तो चाहते हो, बट जब तक आप बिल ऑफ एंट्री सबमिट नहीं करोगे तब तक नहीं लेके जा सकते। सो अगला स्टेप यही है। क्या स्टेप अगला? सबमिट बिल ऑफ एंट्री टू कस्टम डिपार्टमेंट। सबमिट बिल ऑफ एंट्री टू कस्टम डिपार्टमेंट फॉर क्लियरेंस। बच्चों बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना ना, व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री? बिल ऑफ एंट्री इज फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरेंस। किस पर्पस के लिए बेटा? क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब गुड्स को आप लेके जाना चाहते हो। क्लियरेंस दो तरीके की होती है, या तो होम कंजम्पशन के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो होम कंजम्पशन के लिए, या फिर आप क्लियरेंस टेम्परेरीली वेयर हाउस में रखवाना चाहते हो सामान, और फिर वेयर हाउस से आप होम कंजम्पशन लेके जाना चाहते हो। पहले ना ये कलरफुल बिल ऑफ एंट्रीज होती थी, वाइट येलो, अब नहीं होती हैं, अब आज के टाइम पर सब कुछ ऑनलाइन होता है। सो बिल ऑफ एंट्रीज में कोई कलर्स नहीं होते, या तो आप डायरेक्टली क्लियरेंस होम कंजम्पशन ड्यूटी दो और घर ले जाओ, और अगर ड्यूटी नहीं है तो टेम्परेरली वेयर हाउस में रखो और फिर ड्यूटी दो, और जिस दिन आप ड्यूटी दोगे उस दिन आप होम कंजम्पशन के लिए ले जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? सो क्लियरेंस का पर्पस क्या है, बिल ऑफ एंट्री का पर्पस क्या है? क्लियरेंस, कि गुड्स को कहां लेके जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके ड्यूटी है, ड्यूटी सबमिट करो, होम कंजम्पशन के लिए ले जाओ। और अगर आप, अरे होम कंजम्पशन का मतलब फैक्ट्री भी है कहीं, है होम का मतलब घर पे ही नहीं लेके जाना जबरदस्ती,
अरे अगर आप अपनी फैक्ट्री के लिए इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स, तो दैट इज ऑल्सो होम कंजम्पशन, मतलब पैसे दिए और आप लेके जाना चाहते हो, ठीक है। अब आपने अगर पैसे नहीं आपने दिए तो वेयर हाउस में सबमिट कर दो कुछ टाइम के लिए, जब आपके पैसे होंगे, ड्यूटी दी और उसके बाद फिर वहां से क्लियरेंस कर लिया, तो आपको बिल ऑफ एंट्री सबमिट करनी होगी। हाय एना एवरीवन, सो बिल ऑफ एंट्री का पर्पस समझ में आ रहा है? अच्छा, अब बताओ बिल ऑफ एंट्री कौन देगा? बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर सबमिट करेगा। किसको सबमिट करेगा? बिल ऑफ एंट्री कस्टम डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। पर्पस क्या है बच्चों? क्लियरेंस। पर्पस क्या है बच्चों? क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब यहां पर ड्यूटी दे के वो गवर्नमेंट को सबमिट करके उसके बाद जाना चाहता है, क्योंकि पता तो चले कि अब आगे उसने आगे गुड्स वेयर हाउस में रखवाने हैं या वो गुड्स को लेके जाना चाहता है। स्टेप नंबर 6 में सबमिट बिल ऑफ एंट्री टू द कस्टम डिपार्टमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? सो बिल ऑफ एंट्री कौन देता है? इंपोर्टर देता है। किसको? कस्टम डिपार्टमेंट को। यहां तक क्लियर हो गया? अब क्या बिल ऑफ एंट्री होगी वो तो उसी पे डिपेंड करेगा कि वो गुड्स को उसी वक्त लेके जाना चाहता है या नहीं। और फिर उसके बाद क्या करेगा? स्टेप नंबर 7 कि अगर कोई कस्टम ड्यूटी बनती है तो पे कस्टम ड्यूटी इफ एनी। ऑब्वियसली अगर कोई कस्टम ड्यूटी बनती है तो दे के खत्म करो, यस और नो। और स्टेप नंबर 8 रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। अब आप क्या करोगे? अब आप गुड्स को रिमूव करोगे होम कंजम्पशन के लिए अगर आप ड्यूटी दे देते हो तो। रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। फाइनली आप गुड्स को ले जाते हो, ड्यूटी पे कर देते हो आप तो आप होम कंजम्पशन के लिए ले जाते हो। इसमें दो ऑप्शन है, अगर आप ड्यूटी पे नहीं करते हो तो वेयर हाउस के लिए भी लेके जा सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? मेरी बात समझ में आई दोस्तों? तो इंपोर्ट के प्रोसीजर्स कुछ इस तरीके से हैं। स्टार्ट हो रहे हैं किससे? पर्सन इंचार्ज से। स्टार्ट हो रहे हैं किससे? पर्सन इंचार्ज से। फॉर्मेलिटीज पर्सन इंचार्ज ने स्टार्ट करनी है, फिर धीरे धीरे करके कहां पे पहुंच गया? इंपोर्टर तक। और फिर फाइनली इंपोर्टर क्लियरेंस बिल देगा, उसके बाद चला जाएगा। सो बताओ एवरीवन, क्या आपको इंपोर्ट प्रोसीजर समझ में आते हैं? और मेरे ख्याल से याद भी हो जाना चाहिए। सबमिट इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल, आने से पहले इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करो। स्टेप नंबर टू अराइवल इन टेरिटोरियल वाटर, सबमिट अराइवल रिपोर्ट। स्टेप नंबर 3 बर्थिंग एंड अनलोडिंग ऑफ द गुड्स, बर्थ लगाया और फिर अनलोडिंग कर दी। स्टेप नंबर 4 डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द पोर्ट अथॉरिटीज, पोर्ट अथॉरिटीज को गुड्स को क्या किया? डिलीवर किया। ऑब्टेन बिल ऑफ लेडिंग एंड इश्यू डिलीवरी ऑर्डर। और स्टेप नंबर 6 सबमिट बिल ऑफ एंट्री टू कस्टम डिपार्टमेंट फॉर क्लियरेंस। मैंने आपको बताया क्लियरेंस दो तरीके की होती है, डायरेक्ट होम कंजम्पशन या वेयर हाउस के लिए ले जाओ, फिर वेयर हाउस से होम कंजम्पशन। यस और नो एवरीवन? फिर इसके बाद आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो और फाइनली गुड्स को रिमूव करते हो फॉर होम कंजम्पशन, आइदर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयर हाउस। यहां पर वेयर हाउस भी लिख लेना प्लीज, क्योंकि दोनों केसेस हो सकते हैं। यस और नो एवरीवन? दैट्स इट। तो ये तो हो गया इंपोर्ट के रिपोर्ट, इंपोर्ट की डिटेल्स, इंपोर्ट के जो क्या कहते हैं प्रोसीजर्स में आपको किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो है सबसे पहले तो आपको ध्यान देने की जरूरत है इंपोर्ट। ओहो, मेरे को लगा मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूं। इंपोर्ट मैनिफेस्ट पे, ठीक है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा नंबर अराइवल रिपोर्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा नंबर आपको पता होना चाहिए बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, ठीक है जी, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, कौन देता है, किसको देता है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पता होने जरूरी है। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? अरे कोई बात नहीं, थोड़ी दुख दुख हो भी रही है तो आज एक ही क्लास के लिए होनी है, कोई बात नहीं, बार बार नहीं होगी बेटा, चिंता ना कर। चलो अगला बढ़ते हैं स्टेप नंबर एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स पे। इंपोर्ट प्रोसीजर्स के बाद जिसको प्रॉब्लम हो रही थी मैं समझ गया, मेरे को लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मेरे को लगा आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है। राइट डाउन एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, मेरे पास ना जो वाईफाई है वो वाईफाई थोड़ा दूर बैठ पड़ा है, तो इसलिए वो वहां से क्या है कि मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं चैट नहीं देख पा रहा हूँ, ये रीजन है, नहीं तो मैं जरूर आपको वहीं से ही रिप्लाई करता।
चलो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स। नाउ एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स क्या है? देखो क्या है कि अब इम्पोर्ट पे तो बात हो गई, इम्पोर्ट हो गए गुड्स, अब बात कर रहे हैं जब गुड्स को यहाँ से लेके जाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो क्या ऐसे केसेस में किन चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे? सो राइट डाउन एवरीवन, सबसे पहले स्टेप नंबर वन, फाइल शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट। स्टेप नंबर वन, फाइल शिपिंग बिल ऑब्लिक बिल ऑफ एक्सपोर्ट। बिल ऑफ एक्सपोर्ट, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट को क्या किया जाए, फाइल किया जाए। और फाइल करने के बाद देखो ये आपको इसका मतलब पता क्या है, शिपिंग बिल इज फॉर अगर आप बाय एयर या फिर आप बाय वेसल को यूज करते हो, ठीक है। और अगर मैं बिल ऑफ एक्सपोर्ट की बात करूं तो बिल ऑफ एक्सपोर्ट वर्ड जो है वो यूज किया जाता है जब आप बाय लैंड गुड्स को क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हो। बेटा क्या है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहे हैं गुड्स, तो ऐसे केस में क्या होगा कि सबसे पहले एक्सपोर्टर को, किसको, एक्सपोर्टर को शिपिंग बिल फाइल करना होगा, किसकी तरफ, कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ, और यह बताना होगा कि वो किन गुड्स को लेकर जा रहा है, कौन कौन से गुड्स को लेकर जा रहा है और कौन से देश में लेकर जा रहा है, क्या प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, क्या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, क्या गुड्स है, क्या गुड्स के वेट है, क्या उसकी वैल्यू बनती है कि नहीं, कहीं प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं। तो ये सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक्सपोर्टर कस्टम डिपार्टमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन देगा थ्रू शिपिंग बिल। किसके थ्रू देगा? शिपिंग बिल। और फिर ये कस्टम डिपार्टमेंट को सबमिट हो जाएगा और कस्टम डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि कहीं इनकी ड्यूटी तो नहीं बनती। अगर कोई ड्यूटी बनती है तो वो बता देगा। देखो इंपोर्ट में जैसे जो काम बिल ऑफ एंट्री कर रहा था ना, एक्सपोर्ट में वही काम शिपिंग बिल कर रहा है। अच्छा, इंपोर्ट में ये आखिरी स्टेप था, इसका रीजन था क्यों, इंपोर्ट होने के बाद जब हम गुड्स को लेकर जा रहे होते हैं तब हम लोग बिल ऑफ एंट्री सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद जाते हैं। जब एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स है तो एक्सपोर्ट में शुरुआत ही यहीं से होनी है, या है या नहीं, शुरुआत ही अगर यहीं से होनी है तो क्या होगा कि गुड्स की जो पेमेंट बनती होगी वो पहले ही देनी होगी। अगर बनती होगी तो, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक्सपोर्ट पे तो गवर्नमेंट इंकरेज करती है, तो भाई एक्सपोर्ट पे ड्यूटी क्यों लेगी, हाँ या ना। सो फाइल शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, सबसे पहले काम यही करना, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना। स्टेप नंबर टू पेमेंट ऑफ ड्यूटी इफ एनी। सही बात है, पेमेंट ऑफ ड्यूटी इफ एनी। अगर आपकी कोई ड्यूटी बनती है वो बिल फाइल करने के बाद, बिल कंप्लीट होने के बाद आपको ड्यूटी कुछ बनती होगी, अगर कुछ बनती है तो उसको ड्यूटी को दो और उसके बाद आप जा सकते हो। स्टेप नंबर थ्री फॉरवर्डिंग द शिपिंग बिल टू कार्गो सुपरवाइजर। फॉरवर्डिंग द शिपिंग बिल टू कार्गो सुपरवाइजर। फॉरवर्डिंग द शिपिंग बिल टू कार्गो सुपरवाइजर। कार्गो सुपरवाइजर जो कि गुड्स का सुपरवाइजर है, ध्यान रखता है कि गुड्स कोई इलीगल तो ट्रेड नहीं हो रहे, यह काम करने वाला काम शिपिंग बिल फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कार्गो सुपरवाइजर को। तो इसलिए वो कार्गो सुपरवाइजर जाके कार्गो को चेक करेगा कि जो भी उस ट्रक में सामान जा रहा है, ट्रक में भी जा सकता है बट कहने का मतलब अभी तो शिप की बात हो रही है, तो जो भी शिप में सामान जा रहा है वो वहां पे जाके उसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। कार्गो सुपरवाइजर वेरीफाई करेगा, चेक करेगा। समझ में आई बात? तो स्टेप नंबर थ्री, फॉरवर्डिंग द शिपिंग बिल टू द कार्गो सुपरवाइजर। फिर स्टेप नंबर फोर, कार्गो सुपरवाइजर क्या कहेगा, कार्गो सुपरवाइजर कहेगा गुड्स को ले आओ, है कि नहीं। सो ब्रिंग द गुड्स फॉर लोडिंग, वो परमिशन देगा, ब्रिंग द गुड्स फॉर लोडिंग। लोडिंग पर्पस के लिए वो क्या देगा, परमिशन देगा कि आप गुड्स को यहां पर ले आओ। स्टेप नंबर फाइव ब्रिंग द गुड्स फॉर लोडिंग। लोडिंग के लिए गुड्स आने के बाद स्टेप नंबर फाइव क्या होगा,
अब कार्गो सुपरवाइजर क्या करेगा, गुड्स को एग्जामिन करेगा, क्या करेगा एग्जामिन, सो राइट डाउन एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एंड इशू, एंड इशू लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बच्चों, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, जी हां गुड्स को एग्जामिन किया जाए, गुड्स को एग्जामिन करने की बात हो रही है कि भाई कार्गो सुपरवाइजर तक गुड्स पहुंच चुके हैं, कार्गो सुपरवाइजर उस गुड्स को क्या कर रहा है, एग्जामिन कर रहा है, एग्जामिन करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद वो वेरीफाई कर रहा है और फिर वो अगर उसको लगता है सब कुछ ठीक है तो वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर दे देगा, क्या दे देगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, वो अलाउ कर देगा कि भाई आप गुड्स को क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो, आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों एवरीवन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, ये कौन देगा लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा कार्गो सुपरवाइजर को, कार्गो सुपरवाइजर किसको देगा, कस्टम डिपार्टमेंट को, किसको देगा कस्टम डिपार्टमेंट को, क्या देगा कि भाई मैं आपको अलाउ करता हूं कि आप गुड्स को क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, समझ में आया इस ऑर्डर का मकसद, समझ में आया लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, कार्गो सुपरवाइजर अलाउ कर रहा है कस्टम डिपार्टमेंट को कि यस आप जाने दो गुड्स को, गुड्स बिल्कुल ठीक है, क्लीन चिट है मेरी तरफ से। स्टेप नंबर सिक्स, आप इमेजिन कर रहे हो, इमेजिन करो बेटा कस्टम डिपार्टमेंट, हाँ कस्टम एरिया, वहां पर पहले सबसे पहले शिपिंग बिल फॉरवर्ड फाइल किया, फिर उसके बाद वो शिपिंग बिल से पेमेंट कुछ बनती होगी तो वो दी एक्सपोर्टर ने, एक्सपोर्टर ने वो गुड्स जो है कस्टम क्या कहते हैं ऑफिसर को दे दिए, अब वो क्या होता है कि ये क्या हुआ क्या, नहीं सॉरी शिपिंग बिल कार्गो सुपरवाइजर को दे दिया गया कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा, तो कस्टम डिपार्टमेंट ने कार्गो सुपरवाइजर को बुलाया और कहा कि भैया ये शिपिंग बिल है, इनका जाके गुड्स चेक करके आओ। स्टेप नंबर फोर, वो गुड्स को बुलाएगा लोडिंग के लिए, और फिर वो जब गुड्स को बुलाएगा लोडिंग के लिए पहले तो गुड्स को वहीं पर रखेगा, है कि नहीं, गुड्स को रखेगा फिर चेक करेगा, वेरीफाई करेगा जितनी क्वांटिटी लिखी है वही है या नहीं, कहीं ज्यादा कम ज्यादा तो नहीं, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, फिर एग्जामिन करने के बाद लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अलाउ कर देगा, ठीक है जी एक्सपोर्ट करने दो। स्टेप नंबर सिक्स, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर होने के बाद, जैसे ही सारे गुड्स के लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएंगे, अब क्या होगा ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स, क्या होगा ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स, ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स, ये एक परमिशन है जो किससे मिलेगी, कस्टम डिपार्टमेंट से मिलेगी, किसको मिलेगी, पर्सन इन चार्ज को, आ गया पिक्चर में दोबारा पर्सन इन चार्ज, तो भाई यहां पर पर्सन इन चार्ज की कहानी स्टार्ट हो गई है, कस्टम डिपार्टमेंट अलाउ करेगा किसको, पर्सन इन चार्ज को, कि ठीक है भाई हमारी तरफ से गुड्स फाइनल हो चुके हैं, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ चुका है, हमने चेक कर लिया है, तो अब आप की तरफ को हम लोग एंट्री आउटवर्ड्स की परमिशन देते हैं, शिप में चेक किया जाएंगे कि कोई भी सामान, क्योंकि शिप में सिर्फ तुम्हारा ही सामान नहीं होगा बच्चों, शिप में तो और भी लोगों के एक्सपोर्टर्स के सामान होंगे, तो इसलिए सबके लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आने के बाद वो जो वहां पर जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो बैठा होगा, वो चेक कर रहा होगा कि क्या सबके कार्गो सुपरवाइजर्स ने चेक कर लिया लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गया, जब सबका आ गया तो फिर वो फाइनली उस शिप को जिसके सारों के लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आ गए कस्टम डिपार्टमेंट को क्या कर देगा, वो कस्टम डिपार्टमेंट क्या कर देगा, उसको अलाउ कर देगा कि भाई तुम लेके जा सकते हो, ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स, यानी परमिशन फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स, परमिशन फॉर लोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को लोड करने के लिए ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स की परमिशन दे दी जाएगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों, कस्टम डिपार्टमेंट पर्सन इन चार्ज को ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स परमिशन दे देगा, और फिर फाइनली क्या होगा, अब आगे क्या होगा भाई, एंट्री आउटवर्ड्स की परमिशन आने के बाद क्या होगा, लोडिंग, यस और नो, अब पर्सन इन चार्ज क्या करेगा, लोडिंग करेगा, लोडिंग ऑफ गुड्स होने के बाद स्टेप नंबर एट फाइनली सबमिट करेगा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर डिपार्चर, सबमिट
एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर डिपार्चर। भाई अब वो जा रहा है फाइनली, जैसे इंपोर्ट की रिपोर्ट दी थी ना उसने शिप में क्या क्या सामान पड़ा है, वैसे ही उसको एक फाइनली एक्सपोर्ट की भी मैनिफेस्ट बनानी पड़ेगी। जाने से पहले उसको ये बताना होगा कि मैं ये गुड्स लेकर जा रहा हूं। हालांकि सबके लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कस्टम डिपार्टमेंट के पास आ चुके हैं, ठीक है, उन्होंने एंट्री आउटवर्ड परमिशन भी दे दी, बट एंट्री आउटवर्ड सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्सपोर्टर को दी है। अब पता नहीं सब गुड्स की एंट्री आउटवर्ड की परमिशन मिल गई है या नहीं मिली। तो इस केस में कस्टम डिपार्टमेंट ने उस पर्सन इंचार्ज को इंडिविजुअली हर एक्सपोर्टर के लिए ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स दिए होंगे, हर एक्सपोर्टर के लिए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आया होगा, एंट्री आउटवर्ड्स मिल गए। अब फाइनली जब सारे गुड्स इकट्ठे हो चुके हैं तो सारे गुड्स का टोटालिटी में एक सबमिट करना होगा, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर डिपार्चर, जाने से पहले एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट एक्सपोर्ट की रिपोर्ट की तरह ही है, ये एक्सपोर्ट की रिपोर्ट है कि कौन कौन से गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इस शिप के अंदर, ठीक है, कहां लेके जाओगे, ये सब चीजें आपको पूछा जाएगा। और ये कौन देगा, पर्सन इन चार्ज देगा। किसको देगा, पर्सन इन चार्ज कस्टम डिपार्टमेंट को, पर्सन इन चार्ज देगा किसको देगा, कस्टम डिपार्टमेंट को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो सबमिट एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर डिपार्चर, इज दैट क्लियर एवरीवन। फाइनली स्टेप नंबर 9 क्या होगा, डिपार्चर, यस और नो। तो ये हो गए हमारे एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स। मुश्किल है क्या, इंपोर्ट के प्रोसीजर्स तो जाने, इंपोर्ट के प्रोसीजर आने के लिए थे, एक्सपोर्ट के प्रोसीजर जाने के लिए है। लॉजिक समझो दोस्तों, अल्टीमेटली अगर मैं ये बात बोलता हूं कि आप सबसे पहले शिपिंग बिल बनाओ, शिपिंग बिल, तो बेटा देखो क्या है कि शिपिंग बिल बनाना और कौन देगा शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट कौन देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट बनाएगा कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर उसके बाद ड्यूटी पेमेंट कर दी, ठीक है जी, फॉरवर्डिंग द शिपिंग बिल टू कार्गो सुपरवाइजर, ये भी ठीक है, कार्गो सुपरवाइजर ब्रिंग करेगा गुड्स को, बुलाएगा लोडिंग के लिए, बोलेगा कि भाई ले आओ गुड्स को। फिर उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स, और उसके बाद क्या होगा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो ये पता होना चाहिए लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर कौन देता है, कार्गो सुपरवाइजर देगा, किसको देगा, कस्टम डिपार्टमेंट को देगा, ठीक है। फिर ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स, ये एक परमिशन है कि आप गुड्स को लोडिंग के लिए ले आओ, गुड्स को लोडिंग के लिए ले आओ, आप गुड्स की लोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और ये कौन देता है, वो मैंने आपको लिख दिया, कस्टम डिपार्टमेंट देगा, किसको, पर्सन इन चार्ज को। इसके बाद लोडिंग हो जाएगी, लोडिंग होने के बाद सबमिट करेगा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर डिपार्चर, जाने से पहले आपको एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करना होगा, कौन सबमिट करेगा, पर्सन इन चार्ज कस्टम डिपार्टमेंट को। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स में ध्यान रखने की जरूरत है। बताओ एवरीवन, क्या आपको याद होता है एज इट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स याद होते हैं? क्या आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स याद होते हैं? दैट्स इट। तो ये इंपोर्ट थे और ये एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स हैं। मोटा मोटा क्या याद रखना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है, अल्टीमेटली आपको याद क्या रखना है। नाउ एवरीवन इस टॉपिक के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना जा रहा हूं, जिसका नाम है ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। ये भी प्रोसीजर से ही कनेक्टेड है, सो राइट डाउन हेडिंग, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। तो गुड्स की ट्रांजिट और गुड्स की ट्रांसशिपमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। नाउ एवरीवन ध्यान से सुनना, पहले इंपोर्ट के प्रोसीजर्स आपको स्टेप बाय स्टेप याद करने हैं। सबसे पहले क्या हुआ वो याद रखना है, क्या आएगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल, अराइवल रिपोर्ट आफ्टर एंट्री इनटू टेरिटोरियल वाटर्स, फिर इसके बाद बर्थिंग एंड अनलोडिंग, ठीक है, फिर इसके बाद डिलीवरी ऑफ गुड टू द पोर्ट अथॉरिटी, ऑब्टेन बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, उसके बाद लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग ऑब्टेन करने के बाद फाइनली इंपोर्ट का क्लियरेंस दिया जाएगा, वो होगा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री देने के बाद स्टेप नंबर 7 क्या था, उसके अंदर बिल ऑफ एंट्री के बाद ड्यूटी बनती होगी तो देंगे, और उसके बाद डिपार्चर, मतलब वो फिर गुड्स की क्लियरेंस कर देगा, ठीक है। फिर ऐसे ही एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में सबसे पहले शिपिंग बिल फाइल करेगा, शिपिंग बिल के बाद
पेमेंट अगर कोई बनती है ड्यूटी की तो वो दे देगा। स्टेप नंबर 3, शिपिंग बिल कार्गो सुपरवाइजर को दिया जाएगा। कार्गो सुपरवाइजर ब्रिंग बोलेगा गुड्स को लेके आओ फॉर लोडिंग, ठीक है। स्टेप नंबर 5, एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स एंड लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। स्टेप नंबर 6, ये होने के बाद ग्रांट ऑफ एंट्री आउटवर्ड्स परमिशन मिल जाएगी कस्टम डिपार्टमेंट से पर्सन इंचार्ज को। फिर इसके बाद लोडिंग हो जाएगी गुड्स की। गुड्स की लोडिंग होने के बाद जिस दिन वो निकलेगा तो निकलने से पहले पहले डिपार्चर से पहले पहले उसको एक सबमिट करना होगा एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, और फाइनली क्या हो जाएगा गुड्स को डिपार्चर। क्या मेरी बात समझ में आई? नाउ सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिट ऑफ गुड्स के बारे में, फिर मैं आपको ट्रांसशिपमेंट भी समझाऊंगा। पहले समझते हैं ट्रांजिट ऑफ गुड्स क्या होता है। बच्चों ट्रांजिट ऑफ गुड्स का मतलब है, ट्रांजिट ऑफ गुड्स का मतलब है, ये बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना भी, कि मान लो ये एक इंडिया का हमारा साउथ मैप है, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है इसको, ये है चेन्नई पोर्ट, ठीक है, और माल मान लेते हैं ये वाला जो पोर्ट है इस, ये पोर्ट है त्रिची। कौन सा पोर्ट है? त्रिची। तो मान लेते हैं चेन्नई से त्रिची ये वाला पोर्ट, ये दो पोर्ट है, और एक एक गुड्स लेके, कुछ गुड्स लेके एक शिप एंटर कर रहा है हमारे देश के अंदर, ठीक है। मान लेते हैं ये है वो टेरिटोरियल वाटर्स की रेंज, 12 नॉटिकल माइल, आपको तो पता ही है, तो ये वो रेंज है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल वाली। और ये शिप जो है यूएसए से मान लेते हैं कहाँ आ रहा है, चेन्नई पोर्ट में। अब कहता है जब वो गुड्स लेके आ रहा है, मान लो 100,000 क्वांटिटी लेके आ रहा है, कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा है, 100,000 यूनिट्स, जिसमें से 100,000 यूनिट्स में से जो गुड्स है ना वो चेन्नई में डिलीवर करने हैं कितने, 40,000, और बाकी 60,000 कहां डिलीवर करने हैं, त्रिची पोर्ट पे। दोनों इंडिया में है बट गुड्स चेन्नई में पूरे 100,000 क्वांटिटी लेकर आप एंट्री कर रहे हो, और एंट्री होने के बाद ये शिप यहां खड़ा होगा और पूरे के पूरे 100,000 क्वांटिटी में से 40,000 यहां डिलीवर कर देगा, और यहां पे बचेंगे कितने, 60,000 क्वांटिटी बचेगी। कितनी बचेगी, 60,000 क्वांटिटी। इस शिप में अब 60,000 क्वांटिटी बची हुई है, शिप चेन्नई पोर्ट पे खड़ी हुई है। बच्चों जब कभी ऐसा शिप, जो शिप गुड्स लेकर खड़ा हुआ है और वो गुड्स अभी तक डिलीवर नहीं किए गए और शिप के अंदर वो गुड्स मौजूद हैं जो वो बाहर से आए थे, तो ऐसे केस में इन गुड्स को बोलेंगे ट्रांजिट गुड्स। क्या बोलेंगे, ट्रांजिट गुड्स। क्या बोलेंगे, ट्रांजिट गुड्स। तो 60,000 की जो क्वांटिटी है ना, ये ट्रांजिट गुड्स कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, 40,000 के गुड्स मैंने चेन्नई पोर्ट में उतार दिए, These goods are called as imported goods. क्या बोलेंगे इसको, imported goods, हाँ या ना? और ये जो पोर्ट, जिस पोर्ट पे ये ट्रांजिट पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ट्रांजिट पोर्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिट पोर्ट। क्या समझे, क्या समझे बच्चों, ये पूरी सिचुएशन को समझो ध्यान से। मैंने बोला ट्रांजिट ऑफ गुड्स आपको बता रहा हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से, कि एक यूएसए से शिप आ रहा है 100,000 क्वांटिटी को लेकर, हाँ हॉल्टिंग पोर्ट कह सकते हैं, हॉल्ट पोर्ट यही होता है, हॉल्ट पोर्ट, ठीक है, उसको भी ट्रांजिट पोर्ट बोल रहे हैं। तो 100,000 क्वांटिटी लेके जा रहा है जिसमें से 40,000 डिलीवर करने थे चेन्नई में, 60,000 डिलीवर करने थे त्रिची पोर्ट में, ठीक है, 40,000 डिलीवर करने थे चेन्नई में, 60,000 डिलीवर करने थे त्रिची में। जिस पोर्ट पे आप खड़े हो, पोर्ट ऑफ हॉल्ट, और 60,000 क्वांटिटी लेके खड़े हो शिप में, तो ऐसे पोर्ट को बोलते हैं ट्रांजिट पोर्ट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिट पोर्ट। हॉल्ट बोल सकते हो, हॉल्ट, पोर्ट ऑफ हॉल्ट, और ट्रांजिट पोर्ट, ठीक है। ट्रांजिट पोर्ट इसलिए क्योंकि ट्रांजिट वाली लैंग्वेज को पढ़ना है ना हमने। और फिर यही पोर्ट पे जो गुड्स लेकर शिप खड़ा है उन गुड्स को बोल देंगे ट्रांजिट गुड्स। क्या बोलेंगे, ट्रांजिट गुड्स। अब जैसे मान लो ना, तुम कहोगे सर इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि जब गुड्स को लेके आया जाता है, ठीक है, शिप में सामान पड़ा रहता है, शिप में अभी सामान उतारा नहीं गया, तो कस्टम ऑफिसर आके पूछ सकता है ये आपने अभी तक शिप से सामान क्यों नहीं उतारा, तो अब वो बंदा जो पर्सन इन चार्ज है उसकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलेगा, सर ये ट्रांजिट गुड्स है। अच्छा ट्रांजिट गुड्स है, कहाँ जाने, फिर वो बताए। तो समझ रहे हो, वो लैंग्वेज की यूजेज कस्टम एरिया में ही होती है, इज दैट क्लियर। और ये जो 60,000 गुड्स है, इन 60,000 गुड्स के लिए त्रिची पोर्ट इज कॉल्ड एज पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। क्या बोला जाएगा, ये डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। कितने गुड्स के लिए, 60,000 के लिए। तो 60,000 के लिए ये है ट्रांजिट पोर्ट, और यही डेस्टिनेशन पोर्ट है जो त्रिची पोर्ट है।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिट ऑफ गुड्स. इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिट ऑफ गुड्स. ये समझ में आता है ना? अब आपको मैं आपको ट्रांसशिपमेंट में भी समझा दूं कि ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है. ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है फिर आपको दोनों का डिफरेंस बता दूंगा. ठीक है, ध्यान से सुनना. ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स. नाउ ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स में क्या है कि ये इंडिया है, ठीक है, वही इंडिया. और इंडिया में मान लेते हैं ये पोर्ट है जो चेन्नई पोर्ट है, और ये पोर्ट जो है ना, ये पोर्ट है मान ले वही त्रिची वाला पोर्ट, त्रिची. इस पोर्ट पे एक शिप एंटर करने वाला है यूएसए से, जो कि क्वांटिटीज लेके आ रहा है 1 लाख. कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा है? 1 लाख. बट चेन्नई पोर्ट में सिर्फ 40,000 ही डिलीवर करने थे, और 60,000 कहां डिलीवर करने थे? त्रिची में डिलीवर करने थे. तो जैसे ही ये एंट्री करता है और ये शिप यहां पहुंच जाती है, तो 40,000 तो इसने डिलीवर करा दिए. अब हुआ ये कि इसको ना नुकसान हो रहा था. बेटा एक ही बात है, कोस्टल गुड्स और ट्रांसिट गुड्स. कोस्टल गुड्स गुड्स तो है ही नहीं ना, ये तो कोस्ट में. अभी इसको कोस्टल गुड्स नहीं बोलेंगे, तो कोस्टल पोर्ट होते हैं. कोस्टल पोर्ट और कस्टम पोर्ट में क्या फर्क होता है? जो पोर्ट नेशनल ट्रेड के लिए होते हैं उनको कोस्टल पोर्ट बोलते हैं, और ऐसे पोर्ट जो लोग इंटरनेशनल पोर्ट के, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होते हैं, उसको कस्टम पोर्ट बोलते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई? पोर्ट में होता है कोस्टल पोर्ट, कस्टम पोर्ट. इज दैट क्लियर एवरीवन? सो 1 लाख गुड्स डिलीवर किए, 1 लाख गुड डिलीवर करने थे यूएसए से इंडिया में आ रहा था. बट क्या हुआ कि उसको चेन्नई पोर्ट में 40,000 गुड्स उतारने थे, और उसके बाद यहां से ना वापस जाना था. आया और फिर इसको ना वापस जाना है पूरे गुड्स को खाली करके. अब हुआ ये कि ये 40,000 गुड्स ही इसकी परमिशन है चेन्नई पोर्ट पे उतारने की, तो फिर ये बाकी के 60,000 गुड्स जो इसके अंदर पड़े हैं उसका वो क्या करेगा? क्या होता है, ये यूएसए वाली कंपनी ने ना कोई इंडियन शिप से बात कर ली होगी, जो शिप इंडियन ट्रेड करती है वही कोस्टल पोर्ट्स में. तो चेन्नई से त्रिची, त्रिची से चेन्नई रेगुलर बेसिस पे जाती है. तो ये कोस्टल किसी शिप से पहले बात कर ली होगी, जो एक कोस्ट से दूसरे कोस्ट में जाता है. तो ऐसे केस में यूएसए वाला ये जो शिप है, ये 60,000 गुड्स को ये पहले से टाई अप करके रखेगा, और 60,000 गुड्स को क्या कर देगा? दूसरे वाले पोर्ट में, इंडिया वाली शिप में, सॉरी उसी शिप, उसी पोर्ट में इंडिया वाली शिप के अंदर क्या कर देगा? ये गुड्स को डिलीवर कर देगा. सो ये यूएसए वाला जो था, ये यूएसए वाले थे, और यूएसए वाले शिप से गुड्स कहां चले गए? इंडिया वाली शिप में चले गए. इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट. क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ट्रांसशिपमेंट. जिस पोर्ट पे एक शिप से गुड्स दूसरे शिप में ट्रांसशिप होते हैं, उनको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स. क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स. तो यूएसए से 60,000, यूएसए से जो पूरे 1 लाख क्वांटिटी आई थी, 40,000 तो डेस्टिनेशन पे दे दी, तो ये तो हो गए इंपोर्टेड गुड्स. यस और नो? ये तो हो गए इंपोर्टेड गुड्स. इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट. ये जो प्रोसीजर हो रहा है ना, यूएसए से इंडिया में, इंडिया वाले शिप में ट्रांसफर हो रहा है, इस ट्रांसफर करने के काम को बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट प्रोसेस. तो 60,000 क्वांटिटी इंडिया वाले शिप के अंदर ट्रांसफर कर दी. अब ये इंडिया वाली जो शिप है, ये त्रिची पोर्ट में जाएगी और डिलीवर कर देगी. जिस पोर्ट ऑफ हॉल्ट पे ये काम हो रहा होगा, इसको बोलेंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. क्या बोलेंगे? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट. और जो ये गुड्स ट्रांसशिप हुए हैं, इसको बोलेंगे ट्रांसशिपमेंट गुड्स. क्या बोलेंगे? ट्रांसशिपमेंट गुड्स. यस और नो? वो थे ट्रांजिट गुड्स, ये है ट्रांसशिपमेंट गुड्स. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो 1 लाख क्वांटिटी लेके आया, 40,000 गुड्स इंपोर्ट कर दिए, ठीक है, डिलीवर कर दिए. 60,000 अभी एक से शिप से दूसरे शिप में डिलीवर ट्रांसफर हो रहे हैं. तो तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है एक शिप से दूसरे शिप में डालना? नहीं, आपको प्रॉपर परमिशन चाहिए. बिना परमिशन के आप ऐसे काम कर ही नहीं सकते हो, इलीगल है. तो कस्टम, और वो भी कस्टम ऑफिसर के सामने ट्रांसपोर्टेशन होगी कि एक शिप से दूसरी शिप में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके सामने होगी. कस्टम ऑफिसर आएगा, आके चेक करेगा कि ये सही तरीके से है या नहीं, कहीं पता चले इलीगल गुड्स को पहुंचा के ड्रग्स वगैरह भी जो है ट्रांसशिप कर रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद फिर वो यूएसए वाला चला गया. नहीं भाई, नहीं.
यूएसए वाली शिप 1,00,000 क्वांटिटी में से 40,000 क्वांटिटी तो इंपोर्टेड गुड्स चेन्नई में डिलीवर कर देगी, और ये जो 60,000 क्वांटिटी है ये डिलीवर करेगी त्रिची वाले पोर्ट में, यानी ये त्रिची पोर्ट में इंपोर्टेड गुड्स बन जाएंगे। अभी नहीं है, अभी ये ट्रांसशिपमेंट गुड्स है। जब ये इस वाले पोर्ट पे, पोर्ट ऑफ हॉल्ट पे क्या कर रहे थे, गुड्स को ट्रांसशिप कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। क्या मेरी बात समझ में आती है दोस्तों? क्या ये प्रोसेस समझ में आता है दोस्तों? क्या ये प्रोसेस समझ में आता है? क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आता है ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का? चलो ओके, नाउ राइट डाउन ट्रांजिट वर्सेस ट्रांसशिपमेंट। ट्रांजिट वर्सेस ट्रांसशिपमेंट, ट्रांजिट वर्सेस ट्रांसशिपमेंट। तो आपको अब डिफरेंस बता देता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट डाउन। फर्स्ट गुड्स रिमेन्ड इन वेसल एट इंटरमीडिएट पोर्ट, रिमेन्स इन वेसल एट इंटरमीडिएट पोर्ट, इंटरमीडिएट पोर्ट यानी बीच वाले पोर्ट में गुड्स वेसल में ही पड़े रहते हैं, यह होता है ट्रांजिट में। जबकि ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट वेसल एट इंटरमीडिएट पोर्ट। गुड्स आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट वेसल, टू अ डिफरेंट वेसल एट इंटरमीडिएट पोर्ट। तो दोनों में क्या फर्क है, फर्क समझ रहे हैं? तो एक तो वेसल में अगर गुड्स इंटरमीडिएट पोर्ट पे पड़े हुए हैं, वेसल में ही पड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में हम लोग उसको ट्रांजिट कहते हैं। ट्रांसशिपमेंट में ऐसा नहीं होता, ट्रांसशिपमेंट में उसी वेसल में नहीं होते हैं गुड्स। गुड्स वेसल से, एक वेसल से दूसरे वेसल में क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू बी सबमिटेड एट द एंट्री। सिर्फ इंपोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करने की जरूरत होती है, ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू बी सबमिट, ओनली इंपोर्ट मैनिफेस्ट हैज टू बी सबमिटेड एट द एंट्री, सबमिटेड एट द एंट्री। Only import manifest has to be submitted at the entry. जबकि इसके केस में, इस केस में bill of transshipment एक नई चीज है, bill of transshipment। बेटा जिस ship में आप deliver कर रहे होगे, जिस ship में आप transfer करोगे, वो ship आपके ऊपर bill बनाएगा ना, या free में काम करेगा, समाज सेवा थोड़ी ना कर रहा है वो। So bill of transshipment or declaration is required, or declaration is required. Along with import manifest, along with import manifest. So पहले step two, अगर मैं transit में बात करूं तो import manifest, only import manifest has to be submitted at the entry. जबकि यहां पर बात करूं तो bill of transshipment और declaration is required along with import manifest. Import manifest के साथ एक bill of transshipment भी होगा और डिक्लेरेशन देनी होगी। क्या देनी होगी? डिक्लेरेशन कि या तो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट दे दे, या डिक्लेरेशन दे दे कि मैं एक गुड्स को दूसरे एक शिप से दूसरे शिप में ट्रांसशिप कर रहा हूं। तो बिना ट्रांसशिपमेंट के बिल दिए या बिना डिक्लेरेशन दिए, है ना, आप गुड्स को ट्रांसशिप नहीं कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, और फिर यहां से आपको लेके नहीं जाने देंगे। सो वहां पर सिर्फ इंपोर्ट मैनिफेस्ट देना होता है, यहां पर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी देना होता है। थर्ड
नो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। बच्चों इसमें कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं होगी, नो सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। ट्रांजिट ऑफ गुड्स में कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं होती है, जबकि ट्रांसशिपमेंट में सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। हाँ या ना, सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, यस और नो एवरीवन? अच्छा वहां बात करते हैं कि यहां पे सिर्फ एक ही वेसल इन्वॉल्व है, सिंगल वेसल इज इन्वॉल्व। और यहां पर पॉइंट नंबर फोर, यहां पर एटलीस्ट टू वेसल्स आर रिक्वायर्ड, एटलीस्ट टू वेसल्स आर रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहां पर सिंगल वेसल ही काफी है, यहां पर दो वेसल्स चाहिए, यहां पर कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, यहां पर सुपरविजन की जरूरत है, यहां पर इंपोर्ट मैनिफेस्ट काफी है सबमिट करना अराइवल से पहले पहले एंट्री, और वहां पर बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी देना पड़ेगा, बिना उसके आपको ट्रांसशिपमेंट करने नहीं देंगे। ट्रांजिट ऑफ गुड्स में आपका वेसल में ही गुड्स पड़े रहते हैं, ठीक है, ट्रांजिट के पोर्ट ऑफ हॉल्ट पे, ठीक है, इंटरमीडिएट पोर्ट पे, और वहां पर ट्रांसशिपमेंट होती है एक शिप से दूसरे शिप। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये प्रोसेस समझ में आया दोस्तों? ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स एवरीवन, लॉजिक समझ में आया? ट्रांसशिपमेंट क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, मतलब समझ में आया? ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में डिफरेंस समझ में आया? दैट्स इट। ठीक है बच्चों, दैट्स इट, आज इतना ही है, प्रोसीजर खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया जो कि हम अगली क्लास में अब हम फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्लास कस्टम लॉ की हमारी तरफ से आखिरी क्लास होगी, उसमें मैं वेयर हाउसिंग के बारे में डिस्कस करूंगा और एक दो छोटी छोटी बातें और ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में, ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास मैं अभी आपको लिंक बना के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ ताकि अगली क्लास मिस ना हो जाए हमारी उस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आज की क्लास के अंदर, सब कुछ समझ में आया, आवाज भी क्लियर थी। और कौन कौन बैठा है क्लास में वो भी बता दो, अटेंडेंस भी दे दो मुझे जरा एक मिनट, पता तो चले टेलीग्राम पे फटाफट। लेट्स सी कौन कौन आया है आज की क्लास में। सारे बच्चे अभी के अभी अटेंडेंस लगाएंगे साथ साथ, ठीक है, मैं देख रहा हूं। ओके, ओके, बस बाकी बच्चे कहां गए? कोई बात नहीं बेटा, आज जिसकी अटेंडेंस ना लगी ना आज उसकी क्लास लेने वाला हूं मैं, समझ गए? चलो मुझे साथ ही साथ मैसेज दे देना, ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास मिलते हैं, बाय बाय। यस नेहा, बाय बाय एवरीवन।